बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। वोल्टेज मल्टीप्लायर्स जो हैं वो ऐसा सर्किट होता है जहां पर हमारे पास इनपुट के ऊपर एक स्मॉल वोल्टेज जो है वो मौजूद होता है, लेकिन हमें आउटपुट के ऊपर एक लार्ज वोल्टेज जो इनपुट का मल्टीपल होता है, यानी आप वोल्टेज को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, क्वाड्रपल कर सकते हैं, 5 गुना बढ़ा सकते हैं, 6 गुना बढ़ा सकते हैं, तो आप एक स्मॉल एसी सोर्स को एक लार्ज डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ज़रूर मल्टीप्लाई होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, लेकिन आउटपुट की जो पावर होती है वो इनपुट की पावर के बराबर ही रहेगी आइडियल केस में, और प्रैक्टिकल केस में वो इनपुट के मुकाबले में कम रहेगी ड्यू टू लॉसेस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है तो वोल्टेज लेवल बढ़ने से करंट का लेवल जो है वो कम हो जाता है, लेकिन पावर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम बेसिकली यहाँ पर वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर और वोल्टेज क्वाड्रपलर जो है वो स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम इस चीज़ को जनरलाइज कर लेंगे कि अगर हमने कितने भी गुना वोल्टेज बढ़ाना है तो हम किस तरह से उसको इंक्रीज करते जाएंगे, और लास्ट पे ये देखेंगे कि ये वोल्टेज मल्टीप्लायर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर आप देखें, ये एक ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर के आगे एक कैपेसिटर, पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैपेसिटर C1 और उसके सामने एक डायोड, उसके बाद एक और कैपेसिटर, इसकी पोलैरिटी भी देखें, और उसके बाद ये दूसरा डायोड यहाँ पर आपने अटैच कर दिया। अब जब इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है लेट्स सपोज VP पीक वैल्यू, तो उस वक्त ये वाली लूप कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि कैपेसिटर C1 में से करंट होता हुआ D1 के ज़रिए इधर वापस आएगा, क्योंकि करंट जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। इसका मतलब है आप ये कहेंगे आपने जो पीक वैल्यू इनपुट पे दी वो थी VP, ये दो हिस्सों में तकसीम होगी VC1 प्लस VD1। हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डायोड्स हैं ये दोनों डायोड आइडियल डायोड हैं, यानी हम आइडियल मॉडल जो है वो इस वक्त ध्यान में रख लेते हैं। तो जब आइडियल मॉडल में डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, शॉर्ट सर्किट होता है हमें पता है, तो VD1 तो हो गया 0। इसका मतलब है VP इज इक्वल टू VC1। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला कैपेसिटर है इसने एक वोल्टेज अपने अक्रॉस जो है वो डिवेलप कर लिया बाय चार्जिंग सम, बाय स्टोरिंग सम चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VD1 0 है आइडियल के मुकाबले में। अब इनपुट पे आ गया जी नेगेटिव साइकिल, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया नेगेटिव, नीचे वाला हिस्सा हो गया पॉजिटिव। जो नेगेटिव साइकिल की पीक वैल्यू है उसको माइनस VP कहा जाएगा। अब ये वाला जो डायोड है D1 ये हो जाएगा रिवर्स बायस, तो ये डायोड हो गया ओपन सर्किट। अब ये जो दूसरा डायोड है यहाँ पर, आप इस डायोड को देखें, इसकी एन टर्मिनल जुड़ गया किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और ये इसका पी टर्मिनल जो है वो नीचे जुड़ जाएगा पॉजिटिव के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो मैंने उसको जगह शॉर्ट सर्किट जो है वो लगा दिया। अब इधर से करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होता हुआ C2 में से होता हुआ C1 में से होता हुआ ये नेगेटिव की तरफ पहुँचेगा। अब आप जो है वो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आपने इनपुट पे दिया माइनस VP, ये दो हिस्सों में तकसीम होना है VC1 प्लस VC2, और VC2 यानी जो कैपेसिटर VC2 है यहीं से आप क्या मालूम कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज मालूम कर रहे हैं। अब VC2 की जगह मैंने लिख दिया Vout, इस VC1 को दूसरी साइड पे जाकर माइनस कर दिया, तो Vout इज इक्वल टू माइनस VP माइनस VC1, तो माइनस VP माइनस VC1। VC1 आपने देखा था वो किसके बराबर है, VP, तो VC1 की जगह आ गया VP माइनस VP और माइनस VP, तो ये मिल के बना -2 VP। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज पे जो भी आपने पीक वैल्यू दी थी उसका डबल है। नेगेटिव साइन जो है वो जस्ट पोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव है और नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में हमें जो है वो पोलैरिटी को ज़हन में रखना पड़ता है। हम
इसी सर्किट की एक इम्प्रूव्ड शक्ल जो है वो देख रहे हैं। इसको फुल वेव वोल्टेज डबलर कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा जो पहला कैपेसिटर था उसके क्रॉस जो वोल्टेज स्टोर हो रहा है वो कितना था, वीपी, यानी कि जो इनपुट है उसकी पीक वैल्यू के बराबर। और जो दूसरा कैपेसिटर है उसको कितना वोल्टेज स्टोर करना पड़ रहा है, -2 VP। माइनस तो पोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअली में VP यानी इनपुट की पीक वैल्यू का डबल वोल्टेज उसको स्टोर करना पड़ रहा है, यानी ज़्यादा वोल्टेज उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यानी ये जो कैपेसिटर आप खरीदेंगे इसकी वोल्टेज रेटिंग इनपुट की पीक वैल्यू के डबल होनी चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पर देखें ये ट्रांसफार्मर, इसके सामने ये डायोड D1 और साथ ये C1 और लूप कंप्लीट कर दी। अब आपने दोबारा से यहाँ से लूप जो है वो कंप्लीट करनी है, एक और डायोड लगाया, ये एक और कैपेसिटर लगाया C2 और D2 और इस तरह से लूप कंप्लीट की। अब जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव, ये ऊपर वाला टर्मिनल होगा जी पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये डायोड D1 हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड। और जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इस C1 में से होता हुआ ये नेगेटिव तक पहुंचेगा। इसका मतलब है ये जो पहला कैपेसिटर है C1, इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा वो किसके बराबर है जी, VP। ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, यानी पोलैरिटी को जो है वो आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट इनपुट के ऊपर जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल आया। अब ये वाला टर्मिनल हो गया जी नेगेटिव और ये नीचे वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव। अब करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, C2 को चार्ज किया, D2 में से होता हुआ वापस ये नेगेटिव की तरफ आया। इसका मतलब ये हुआ अब ये कैपेसिटर दोबारा से चार्ज हुआ, लेकिन अब इस कैपेसिटर में भी करंट की डायरेक्शन देखें वो टॉप से बॉटम की तरफ है। इसका मतलब है ऊपर वाला टर्मिनल अभी भी पॉजिटिव है और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाफ साइकिल में C1 चार्ज हो गया, कितना वोल्टेज उसने जी अपने क्रॉस स्टोर किया, VP। C2 चार्ज हुआ दूसरे साइकिल में, उसके क्रॉस कितना वोल्टेज आया, VP। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों कैपेसिटर ने इक्वली वोल्टेज स्टोर किया। और यहाँ से जब आप टोटल वोल्टेज लेंगे तो ये दोनों सीरीज एडिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो 2 VP के बराबर ही आएगा। तो ये सर्किट जो है वो इससे बेहतर इसलिए है कि यहाँ पर आपको जो कैपेसिटर खरीदने पड़ रहे हैं दोनों कैपेसिटर की जो वोल्टेज रेटिंग है वो इनपुट की पीक वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, लेकिन एहतियातन जो है वो 20% वोल्टेज ज़्यादा जो है वो लिया जाता है कि अगर पावर सप्लाई में कोई ख़राबी हो जाए और फ्लक्चुएशन जो है वो होना शुरू हो जाए वोल्टेज में तो उसकी जो है वो कंपनसेशन के लिए। नेक्स्ट जी वोल्टेज ट्रिपलर देखते हैं। अब वोल्टेज डबलर के जो आपने फुल हाफ वे वोल्टेज डबलर पढ़ा, ये कैपेसिटर C1 लगा हुआ था, ये डायोड D1, कैपेसिटर C2 डायोड D2, कैपेसिटर C3 डायोड D3। आप इसमें सिमेट्री देखें कि ये कैपेसिटर और उसके सामने ये डायोड इस कॉन्फ़िगरेशन में कि पी रीजन ऊपर और एन रीजन नीचे। फिर कैपेसिटर आपने लगाया बिल्कुल सेम इसी सिमेट्री में कि लेफ्ट जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव, राइट नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, यहाँ पर भी ऐसे ही डायोड D2 D1 के बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट, उसके बाद फिर ये C3 और डायोड D3 बिल्कुल D2 के ऑपोजिट या D1 के बिल्कुल जो है वो इक्विवेलेंस्ड यानी सिंक्रोनाइज्ड इसके साथ। होगा क्या कि पहला जब हाफ साइकिल आएगा तो ये पास कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कितना वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा, VP। जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो ये दूसरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, आपने देखा था वोल्टेज डबलर में 2 VP। जब नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा उस वक्त ये वाला कैपेसिटर C3 जो है वो चार्ज हो जाएगा और इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा, 2 VP। ये जहन में रखें कि जब भी आप इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में कोई कैपेसिटर लगाते हैं तो पहला कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VP ही रहना है, उसके बाद जितने भी कैपेसिटर आगे आते जाएंगे वो 2 VP से ज़्यादा वोल्टेज स्टोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट पे दो ही साइकिल हैं, एक पॉजिटिव साइकिल है और दूसरा जो है वो नेगेटिव साइकिल है। तो ये 2 VP, ये 2 VP, ये VP। अब अगर आप C1 और C3 इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ से आउटपुट लें इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस, तो ये VP वोल्टेज और ये 2 VP वोल्टेज सीरीज एडिंग कॉन्फ़िगरेशन में मिल के आपको कितना वोल्टेज दे देंगे, 3 VP। तो ये वोल्टेज ट्रिपलर बन जाएगा।
यही सर्किट वोल्टेज डबलर का काम भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है ये आपको कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है जी, 2 VP प्रोवाइड कर सकता है। तो ये वोल्टेज डबलर भी है और वोल्टेज ट्रिपलर भी है। अगर C1 और C3 को मिला दें तो ये ट्रिपलर है, C2 को अगर अकेला देखें तो ये वोल्टेज डबलर है, वोल्टेज क्वाड्रपलर। सेम अब इस सर्किट के साथ सिमेट्री देखें, ये कैपेसिटर C1 डायोड D1 सेम वही वाली कॉन्फ़िगरेशन, कैपेसिटर C2 डायोड D2 सेम यही वाली सिचुएशन, कैपेसिटर C3 डायोड D3 और सेम वही वाली सिचुएशन जो ऊपर है। इसका मतलब है यहाँ तक तो सर्किट वही है जो ऊपर था। उसके बाद देखें जी कैपेसिटर C4 और डायोड D4, एक एक्स्ट्रा जो है वो आपने लगा दी, एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर एक एक्स्ट्रा डायोड। ये पहला कैपेसिटर कितना वोल्टेज स्टोर कर रहा है VP, ये कैपेसिटर कितना वोल्टेज स्टोर कर रहा है 2 VP, ये 2 VP, ये 2 VP। तो पहला कैपेसिटर वही VP स्टोर करेगा और बाकी जितने भी कैपेसिटर आप आगे स्टेप्स आगे ऐड करते जाएं वो हमेशा 2 VP स्टोर करेंगे। अब आप देखें इन दोनों टर्मिनल्स यानी C1 और C3 को मिला दें तो 3 VP, ये तो ये वो ट्रिपलर वाले ही काम कर रहे हैं। ज़रा नीचे वाले इन दोनों कैपेसिटर को देखें, C3 और C4 को, C2 और C4 को, तो C2 और C4 को मिल के आपके पास जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 4 VP, क्योंकि 2 VP इसके क्रॉस है और 2 VP इसके क्रॉस है, तो मिल के आपके पास 4 VP वोल्टेज जो है वो आ जाएगा। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, TV। आज से पहले जो TV होते थे जिनको कैथोड रे ट्यूब्स कहा जाता था, तो उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, CRO में इस्तेमाल होते हैं, फोटो कॉपियर मशीन में इस्तेमाल होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स में इस्तेमाल होते हैं, स्प्रे पेंट इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं, और एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जिसको मैंने स्किप किया था वो है बग ज़ैपर्स। आप देखते हैं कि आप इंसेक्ट किलर जो है वो हैंग करते हैं अपने घरों में, या वो जो इंसेक्ट किलर बैट होता है वो आप, या रैकेट इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी यही होता है कि उसमें आपने एक ट्रांसफार्मर के आगे वोल्टेज मल्टीप्लायर कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करती है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, आप उसको जस्ट एक पल्स देते हैं तो वो एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है जिससे जो है वो बग्स वगैरह जो है उनको आप किल कर सकते हैं। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक जो कि वोल्टेज मल्टीप्लायर से रिलेटेड था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। होपफुली आपको जो है वो ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो इजाफा हुआ होगा। और यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशन वो कंक्लूड होता है। तो बेसिकली एक लंबा सफ़र था जिसमें हमने डायोड के मॉडल से जो है वो स्टार्ट किया, और मॉडल को स्टार्ट करके हमने डायोड की कॉन्फ़िगरेशन यानी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखी, और फाइनली जो है वो हमने कुछ इसकी एप्लीकेशंस जो क्लिपर क्लैंपर्स जो है वो वोल्टेज रेक्टिफिकेशन और इसके अलावा जो है वो वोल्टेज मल्टीप्लायर की शक्ल में देखी। तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इसको बार बार जो है वो सुने, बुक को जो है वो रीड करें ताकि आप जो है वो इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें अपने एग्ज़ाम में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।